Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sare ke sare link description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Okay, we are back to Fing or Types of Demon Part 2. लेट्स गो. लास्ट टाइम वॉज वेरी एजुकेशनल फॉर मी क्योंकि मुझे डेफिनेटली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी एंड आई एन्जॉय इट. येस, सो वाई नॉट लेट्स गेट इट ऑन पार्ट टू. पर थोड़ा स्पॉयलर भी मिला था लास्ट वाले कॉमेंट सेक्शन में. प्लीज़ गाइज डोंट डू दैट. नो स्पॉयलर्स टिल वी कम्प्लीट द वीडियोज, राइट? फिर मजा चला जाता है देखने में बिकॉज आई ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग टू कम अप. ओके, प्लीज़ उम्मीद करते वीडियो जाएगा, मजा आएगा और कोई जंप स्केयर्स नहीं आएगा. That's more important. Okay, play. Let's get it. तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर. ये वीडियो होने वाली है पार्ट टू ऑफ टाइप्स ऑफ डीमंस. और अगर तुमने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड कि तुम जाके पहले पार्ट वन देखो क्योंकि उसके बिना फिर पार्ट टू इनकम्प्लीट लगेगा. एंड जिन भी लोगों ने पार्ट वन देखा है, गाइज थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइज. ठीक है, तुमने जो रिस्पॉन्स दिया है पार्ट वन पे, आई लव डेड और मैं बहुत अच्छा लगा वो देख के. एंड इसलिए ही मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए. और जैसे पार्ट वन में हमने पांच टाइप्स डिस्कस कर रहे थे डीमंस के, वैसे ही इस वीडियो में भी हम पांच और टाइप्स डिस्कस करेंगे. तो आई रियली होप कि जितना तुम्हें पार्ट वन पसंद आया था उतना ही तुम्हें पार्ट टू भी पसंद आए. और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम प्लीज वीडियो को जाके लाइक कर दो. बिफोर स्टार्टिंग आई ऑलवेज लाइक द वीडियो. लोगों ने इंस्टाग्राम के अंदर डीएम्स में जाके भी मेरे को मेंशन करा था कि इन स्पेसिफिक डीमंस को मैं मेंशन करूं. तो उन सारी रिक्वेस्ट को भी देखते हुए मैंने इस लिस्ट को तैयार करा है. और अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करते हो तो मेक श्योर कि तुम जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. वहाँ पे तुम सारे बिहाइंड द सीन्स देख सकते हो इस मेन चैनल के और मेरे सेकंड चैनल के भी. और अगर तुम्हें मेरे सेकंड चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता तो उसका नाम फिंग एक्स्ट्रा है. वहाँ पे बिल्कुल भी हॉरर कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ फनी चीजें होती है. तो तुम वहाँ पे जाके भी बहुत इंजॉय करोगे. तो मेक श्योर कि तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो एंड सेकंड चैनल को भी चेकआउट. We have to still check. तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा हमारे वीडियो स्पॉन्सर के बारे में. लेट्स स्किप टू द आई बेट ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो. अब चलते हैं वापस वीडियो में. इनक्यूबस पार्ट वन के अंदर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा था कि सक्यूबस कैसा टाइप का डीमन होता है, कि सक्यूबस कैसे एक फीमेल का फॉर्म लेके तुम्हारे ड्रीम्स में आ सकता है और तुम्हारी सोल के ऊपर वो मतलब एक तरीके से कब्जा कर लेता है और तुम्हारी सोल पे फीड करने लगता है. इनक्यूबस सक्यूबस का मेल वर्जन होता है. तो जैसे अगर पार्ट वन में तुमने सक्यूबस के बारे में मुझे लगा था वी आर सेफ, अगर सोचा होगा कि भाई मैं तो लड़की हूँ मैं तो सेफ हूँ इन डीमन से, ऐसा कुछ नहीं है. इन्हीं सेम डीमन्स का मेल वर्जन भी होता है जिनका नाम होता है इनक्यूबस. और ये बहुत ही अट्रैक्टिव मेल ह्यूमंस के फॉर्म में, एंड जब तुम इनके साथ I'm right to be possessed. में एंगेज करते हो, ठीक है, यूजली ये कोशिश करते हैं कि ये ड्रीम्स में तुम्हारे साथ सेक्सुअल कुछ करें. एंड तुम जब प्लेजर के साइड तुम्हारा जब माइंड जाना शुरू करता है अपने ड्रीम्स में, तब यही डीमन तुम्हारी सोल के ऊपर फीड करने लगता है. तो जिन भी लड़कियों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी और सोचा था कि हम तो सेफ है इस डीमन से, ऐसा कुछ नहीं है. इसका मेल वर्जन भी है एंड हो सकता है कि अगर तुम्हें ऐसे कोई ड्रीम्स आ रहे हैं तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो जो मेल आया है तुम्हारे सपनों में, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक डीमन और वो तुम्हारी सोल के ऊपर फीड कर रहा है. Barbatos come from the Latin word barbato, which means a bearded man. ये जो demon है barbatos, ये एक human के form में होता है, basically एक male के form में होता है जिसकी एक बड़ी दाढ़ी होती है, जिसके देख के तुम्हें basically लग सकता है कि ये एक traveler हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा wisdom है. क्योंकि ये demons कुछ ऐसे ही appear होते हैं humans को. इन डीमंस के पास पावर होती है टू टॉक टू एनिमल्स. तो तुम्हारे अगर घर में कोई पेट है, ठीक है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर ये डीमन तुम्हारे घर के आसपास है तो ये कनेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे पेट से, तुम्हारे पेट से ये बात कर सकता है. तो ये भी कहा जाता है कि ये डीमन जो है वो फ्यूचर बता सकता है. तो जो भी ह्यूमन इसके साथ इंटरेक्ट करता है, अगर वो ढंग से इंटरेक्ट कर पाता है तो इस डीमन की हेल्प से वो अपना फ्यूचर भी देख सकता है. और जो सबसे कमाल की चीज़ है इस डीमन के साथ वो ये है कि जो ह्यूमंस बाबाटोज नाम के डीमन के साथ इंटरेक्ट कर पाते, बाबाटोज कैन हेल्प देम फाइंड ट्रेजर्स, हिडन ट्रेजर्स. अगर जैसे मैं ह्यूमन हूँ, अगर मैं ऐसे ही किसी डीमन से बात कर सकता हूँ तो बात करते करते उनकी हेल्प से मैं गड़े हुए खजाने ढूंढ सकता हूँ. इन डीमन्स के पास इस लेवल की पावर होती है कि ये तुम्हें गड़े हुए खजानों तक लेके जा सकते हैं. एक तरीके से देखा जाए कि जितने भी डीमन्स हम डिस्कस करें और इस वीडियो के अंदर हम जितने और डिस्कस करेंगे वो सारे थोड़े खतरनाक है.
लेकिन जब बाबाडोज की बात आती है तो ये डीमन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि इस डीमन को यूज करके हम अपना बहुत ज्यादा फायदा करा सकते हैं। ये डीमन हम ह्यूमंस को हार्म नहीं करता है, बल्कि हमारी लाइफ को ये और ज्यादा इजी बना सकता है अगर हम इनसे कम्युनिकेट करना सीख जाए। नो थैंक्स। सरगॉट, सरगॉट एक ऐसा डीमन है जो सारे लॉक्स खोल सकता है, एंड आई मीन सारे। दुनिया में ऐसा कोई लॉक नहीं है जिसको सरगॉट डीमन अनलॉक नहीं कर सकता। बेसिकली कहा जाता है कि इस डीमन को एक ह्यूमन ने समन करा, एक ह्यूमन ने बुलाया था, जिससे कि वो इस डीमन की जो नॉलेज है उसको गेन कर सके, जिससे वो और ज्यादा ह्यूमन काइंड को हेल्प कर सके, और ज्यादा हेल्प कर सके ह्यूमंस को, और इन्वेंशंस कर सके, और इन्वेंशंस कर सके उस नॉलेज के साथ। और उसी नॉलेज को यूज करके जिस ह्यूमन ने इस डीमन को समन करा था, उस नॉलेज की हेल्प से उस ह्यूमन ने आज के जो हमारे लॉक्स है, जो हम ताले देखते हैं, उनको इन्वेंट करा था। इस डीमन को समन करने से पहले लॉक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई लॉक एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई ताला एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन ये जो नॉलेज उस ह्यूमन को मिली थी वो एक बहुत ही बड़े कॉस्ट पे मिली थी, एंड द कॉस्ट वाज कि जो डीमन है सरगॉट विल हॉन्ट एवरी प्लेस जहाँ पे लॉक्स है और डार्कनेस है। तो अगर तुम्हारे घर के अंदर भी कहीं पे ताले लगे हुए हैं और अंधेरा है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उसके अराउंड सरगॉट काइंड के डीमंस होंगे। ये डीमंस हर उस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे लॉक्स और अंधेरा होता है, क्योंकि ये इनकी फेवरेट जगह होती है, और यहाँ पे ये अब इनको होमली फील होता है, इनको फील होता है कि ये वहाँ बिलोंग करते हैं। और एक और चीज कही जाती है इसके बारे में कि अगर ये डीमन तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं तो ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ हिम अगर ये तुम्हारे पीछे पड़ गए तो इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर तुम किसी अंधेरे वाली जगह पे जाते हो जहाँ पे लॉक्स इन्वॉल्व नहीं जाऊंगी, तो ये डीमन की नजर में तुम आ सकते हो, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ये डीमन तुमसे अटैच हो जाए, और उसके बाद कुछ नहीं बचा सकता तुम्हें, कोई भी चीज नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इस डीमन को फिर तुमसे अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। चिकन इनकी आर ह्यूमन ईटिंग डीमंस, ह्यूमन ईटिंग। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन इनकी आर ह्यूमन ईटिंग डीमंस। ये डीमंस बेसिकली स्पिरिट्स होती है ग्रीडी और सेल्फिश लोगों की। जब एक्सट्रीमली ग्रीडी और सेल्फिश लोग मर जाते हैं तो उनकी जो सोल होती है वो इन डीमंस में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली उनकी सोल्स पे एक कर्स लग जाता है जिसकी वजह से वो डीमंस बन जाते हैं, और इन डीमंस का काम होता है टू फीड ऑन ह्यूमन कॉर्पसेस। मरे हुए ह्यूमंस के ऊपर ये डीमंस फीड करते हैं, और ये डीमंस यूजली ग्रुप्स में रहते हैं, और ये सबसे ज्यादा तुम्हें ग्रेवयार्ड्स के आसपास मिलेंगे। इन डीमंस के साथ एक और फैक्ट अटैच्ड होता है कि ये इंसानों से अटैच हो जाते हैं और वेट करते हैं कि कब उनकी डेथ होगी। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि अभी भी ऐसा कोई डीमन तुमसे अटैच्ड हो, एंड इट्स वेटिंग कि तुम कब मरोगे। और जैसे ही तुम मरोगे, जब तुम्हें बरी कर दिया जाएगा, क्रीमेट कर दिया जाएगा, बचे हुए कॉर्पसेस पे ये डीमन फीड करेगा। आई नो ये सब कुछ सुनने में काफी ज्यादा स्कैरी लगता है, क्यों मेड इट क्रीपियर। थैंक यू। डीमन पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहे इसी वेट में कि जिस दिन तुम मरोगे वो तुम्हारे कॉर्पसेस पे फीड करेगा। उसके अंदर चीजें उड़ रही है, इधर उधर जा रही है, बहुत केओस हो रहा है। मेनली ऐसी पोजेशंस का और ऐसी स्टोरीज के अंदर जो डीमन होता है उसका नाम होता है पोल्टरगीस्ट। उसकी काइंड होती है पोल्टरगीस्ट। सबसे खतरनाक चीज़ इन डीमंस के बारे में ये है कि ये डीमंस तुम्हें टच कर सकते हैं, तुम्हें स्क्रैच कर सकते हैं, तुम्हें बाइट कर सकते हैं, एंड इवन चीज़ों को उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक सकते हैं। ये चीज़ों को लेविटेट कर सकते हैं और चीज़ों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ऐसा कोई डीमन तुम्हारे आस पास है, तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि तुम रैंडमली चीजों को उड़ते हुए देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर आते हुए देख रहे हो, तुम्हें फील होता है कि कोई तुम्हें टच कर रहा है, लेकिन तुम जब मुड़ के देखते हो कोई नहीं है तुम्हारे आसपास। मोस्टली ऐसे केसेस में कहा जाता है कि एक पोल्टरगीस्ट डीमन तुम्हारे आसपास। I have read a lot about अब ये सारी बातें सुन के तुम्हें लगेगा कि ये जो डीमंस है ये एक घर को पोजेस कर लेते हैं, या तो फिर किसी लोकेशन को पोजेस कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है। ये जो डीमंस है ये स्पेसिफिक ह्यूमंस को पोजेस करते हैं, ये एक स्पेसिफिक ह्यूमन से अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही ये ह्यूमन ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये डीमन साथ में रहता है। तो अगर किसी ह्यूमन के ऊपर ये डीमन अटैच्ड है,
इस डीमन ने पोजेस कर लिया उसे, तो वो ह्यूमन जहाँ भी जाएगा वहाँ पे हर जगह कियोस क्रिएट होगा, हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और उस पोजेस्ड इंसान के आसपास जो लोग हैं उन्हें हमेशा ऐसा फील होता रहेगा कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें टच कर रहा है, कोई उन्हें स्क्रैच कर रहा है। और अगर वो डीमन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, इंक्लूडिंग द पर्सन जो पोजेस्ड। ऑफ कोर्स। तो गाइज आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया होगा। मैंने 5 और टाइप्स एक्सप्लेन करी है, टोटल में हमने 10 टाइप्स को एक्सप्लेन करा है दोनों पार्ट्स में। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर तुम्हें मज़ा आया तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, एंड अगर तुम्हारे दिमाग में और कोई टाइप है जिसको मेरे को डिस्कस करना चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। जब भी वो बोलते हैं जस्ट इमेजिन तुम्हारे आजू बाजू ऐसा कोई है, नो डोंट वांट टू इमेजिन इट, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट लाइक दैट। ओह मैन, सो आई डिड नो अबाउट one at least इसमें, it's the polter I think it, I don't know, मैं pronounce गलत कर रही थी, polter geist या polter geist जो भी है भाई, दूरी रहो हमसे प्लीज। बट आई डोंट हैव अ स्टोरी, लेकिन मेरी मासी है, शी लिव्स इन लंदन, तो वो लोग एक बार बाहर गए थे, दे वेंट टू एन आइलैंड ऐसा कुछ, कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दे हैड अ हाउस लाइक दैट, और सब वैसे जस्ट वेंट फॉर लाइक ए गुड ट्रिप बेसिकली, और उन्होंने वो एक बंगलो लिया था उस नाइट या दो नाइट, टू नाइट्स, थ्री नाइट्स के लिए, एंड देयर वाज दिस टाइम व्हेन उनकी फ्रेंड किचन में कुछ लेने गई, एंड जैसा इसमें दिखाया लाइक दे यूजली शो दैट अ लॉट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मूवीज, कि नो ड्रॉर्स अपने आप खुलने लगते हैं, लाइट्स अपने आप बंद होने लगती है, वॉट एवर दैट इज, ड्रॉर्स अपने आप खुलने बंद कर होने लगे, आई थिंक दैट वॉज लाइक देयर फर्स्ट नाइट देयर और सेकेंड नाइट, आई एम नॉट श्योर, एंड एक मतलब इट वॉज नॉट लाइक कंटिन्यूसली हैपनिंग, एकदम से खुल गया, सो शी वॉज लाइक मे बी, हम पहली चीज़ वही सोचेंगे ना, हमसे खुला रह गया, हो गया खुला रह गया होगा, या फिर इधर वी माइट हैव लाइक स्प्रिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी ऑयलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा बंद नहीं हो रहा है, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स माइट बी पॉसिबल, क्यों खुला है टाइट, सो तुम बंद करोगे, एंड दैट्स व्हाट शी डिड, एंड शी वेंट आउट, और उसके बाद फिर से व्हेन शी सॉ लाइक देर आर अदर ड्रॉअर्स विच आर आउट एज वेल इन द किचन, सो शी वॉज लाइक कुछ तो गड़बड़ है, बट देन शी डिडंट थिंक मच अबाउट इट ऑन द फर्स्ट नाइट, वाइल ऑन द सेकेंड नाइट जब वहाँ पे थे तब एक दो खुले उनके सामने, एंड शी गॉट लाइक सो स्केयर्ड, ऑफकोर्स दे लेफ्ट, उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं, आई डोंट नो कि वहाँ पर ऐसा कोई स्टोरी थी हॉन्टेड ऐसा कुछ भी, बट लाइक आई थिंक मोर पीपल नोटिस दैट एंड दे जस्ट लेफ्ट राइट अवे, लेकिन ऐसी सेम चीज़ मेरी मासी ने मुझे बोली है कि उनकी फ्रेंड के साथ उन्हें लाइक क्या बोल रहे हुए उनके ग्रुप के साथ रियली हार्ड हिंदी ओके, तो उनके ग्रुप में दिस इज रियली रियली दिस लेजेंड जो हुआ है उनके साथ, दैट्स व्हाट शी शेयर्ड, अभी हुआ यहाँ पे आई थी तब, वाओ, आई मीन आई कैन जस्ट इमेजिन, आई डोंट वांट टू इमेजिन, सॉरी, लिंक दैट बैक, रिगार्डलेस आई रियली एंजॉयड इट, आई होप यू डिड टू, होप वी ऑल ऑलवेज स्टे सेफ, मजे के लिए लेट्स लाइक हियर दिस आउट, लर्न दिस लर्न अबाउट दिस वॉट एवर दैट इज, बट नेवर सी दैट इन रियल लाइफ, Nobody ever. Not me at least. Okay. And I'll see you guys next time. Bye, berries. Love you.